हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। मैं सुरेंद्र गणगस स्वागत करता हूँ आपका एक बार हमारे यूट्यूब चैनल शिक्षा कैंपस में। हम क्या कर रहे हैं, हमने एक सीरीज चलाई हुई है हिस्ट्री और ज्योग्राफी की, जो 2016, 17, 18, 19 के प्रीवियस ईयर में जो एसएससी में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, एमटीएस, सीएचएसएल, सीजीएल, जो भी क्वेश्चन एसएससी जो भी एग्जाम कंडक्ट करवाती है, उन सारे का हम क्या करते हैं, डेली रिवाइज करते हैं और देखते हैं, एक टेस्ट लगाते हैं कि आपको कितने क्वेश्चन आते हैं। और आज हमारा ये भूगोल का या ज्योग्राफी का सेकंड लेक्चर है, ठीक है। चलो देखते हैं हमारे का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि मैत्री यानी कि मैत्री राजमार्ग एक सड़क है जो चीन को डैश से जोड़ती है, ठीक है। चार ऑप्शन आपके साथ सामने हैं, बताइए। तो इसका आंसर क्या आएगा, डी, क्या आएगा, नेपाल। यानी कि जो मैत्री राजमार्ग है वो चीन को नेपाल से जोड़ता है। किसको जोड़ता है, चीन को नेपाल के साथ जोड़ता है। और अगर इसकी हम पूछें डिस्टेंस तो कितनी है, 318 किलोमीटर लंबा है ये। कितना लंबा है, 318 किलोमीटर लंबा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी पाकिस्तान की सबसे अधिक ऊंचाई वाली झील है। चार ऑप्शन आपके सामने, बताइए। याद करने की जरूरत नहीं थी, अगर आप अपना माइंड लगाते तो बिल्कुल फर्स्ट लिखा है कि पाकिस्तान झील, ठीक है, हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी महाराष्ट्र की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। चार ऑप्शन आपके सामने हैं, जल्दी बताइए। इसका आंसर क्या आ जाएगा, डी, कालसुबाई शिखर। क्या है, कालसुबाई यानी महाराष्ट्र की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो कालसुबाई शिखर बोल सकते हैं। इसकी हाइट कितनी है, तो 1646 मीटर, यानी कि आप ये मान सकते हो 1650 मीटर है, ठीक है। और वहाँ इसके ऊपर एक क्या है, एक कालसुबाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है और कालसुबाई शिखर के ऊपर एक कालसुबाई मंदिर भी है, ठीक है। तो आप पूछे तो डाउट मत कन्फ्यूज। भारत के किस राज्य में सबसे लंबा महाद्वीपीय तट है, बताइए। चार ऑप्शन आपके सामने है, भारत के किस राज्य में सबसे लंबा महाद्वीपीय तट पूछा है, तो इसका आंसर क्या आएगा, गुजरात। यानी कि जो महाद्वीपीय तट सबसे लंबा कहां पर है, गुजरात में, और वो कितना लंबा है, 1214, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व के किस देश में अंतरराष्ट्रीय सीमाओं की संख्या सबसे अधिक है। विश्व के किस देश में अंतरराष्ट्रीय सीमाओं की संख्या सबसे अधिक है, बताइए। चार ऑप्शन आपके सामने, इसका आंसर क्या आएगा, चीन। यानी कि चीन के साथ सबसे ज्यादा अंतरराष्ट्रीय सीमाएं लगती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगा नदी गंगोत्री ग्लेशियर से व्युत्पन्न होती है और डैश पर समाप्त होती है। चार ऑप्शन आपके सामने हैं, बताइए कौन सा ऑप्शन होगा। तो इसका आंसर क्या आएगा, बी, बंगाल की खाड़ी। यानी कि गंगा नदी कहाँ से निकलती है, गंगोत्री से निकलती है। गंगोत्री कहाँ पर है, उत्तराखंड में, और कहाँ पर गिरती है, बंगाल की खाड़ी में, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि बीच बीच में जाकर कुछ नदियां मिल जाती हैं। जैसे सबसे पहले इसमें कौन सी नदी मिलती है, यमुना। फिर इसके बाद कौन सी मिलती है, रणगंगा। फिर इसके बाद कौन सी मिलती है, घाघरा, गोमती, गंडक, तमसा, सोन, कील या पुनपुन। सारी की सारी इसमें क्या मिल जाती है, और लास्ट में ये कहां पर मिलती है, जाकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, ठीक है। शब्द ब्लड मून का उपयोग डैश को संदर्भित करने के लिए किया जाता है, ब्लड मून। चार ऑप्शन आपके सामने है, ब्लड मून किस लिए किया जाता है, चंद्र ग्रहण के लिए, ठीक है। ब्लड मून किसके लिए किया जाता है, चंद्र ग्रहण के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कितने अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं, 1, 2, 3, 4। चार ऑप्शन आपके सामने, आंसर क्या आएगा, डी, भारत में कितने अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं, तो 17, ठीक है, 17 इंटरनेशनल एयरपोर्ट है भारत में। निम्न में से कौन सी दुनिया में सबसे गहरी महाखड्ड है, बताइए। निम्न में से कौन सी दुनिया में सबसे
गैरी, माकड़ है। चार ऑप्शन आपके सामने है। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए काकी, गंडक की माकड़। दुनिया की सबसे गहरी तंग घाटी है, और ये पूछा जाए कि ये कहाँ पर है, इसे आप काली बोल सकते हो, काली, ठीक है, काली, और ये कहाँ पर है? ये नेपाल में, ठीक है, दुनिया की सबसे गहरी, ठीक है, यानी कि एक तंग घाटी होती है, ठीक है, तंग घाटी होती है, एक शर्करा मार्ग होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? खड्ड बोलते हैं, और ये कहाँ पर है? नेपाल की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी है जो मानसरोवर झील से निकलती है? बताइए, चार ऑप्शन आपके सामने। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी सिंधु नदी। क्या है? पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी है जो कहां से निकलती है? जो तिब्बत के, कहां से? तिब्बत के, सॉरी, यानी कि तिब्बत के मानसरोवर से निकलती है। हो जाएगा। अब इसकी सहायक नदियां पूछे सिंधु की, तो क्या हो जाएगी? चेनाब, जेलम, रावी, ब्यास और सतलुज। पांच इसकी सहायक नदियां हैं, ठीक है, सिंधु की। दोबारा बता देता हूँ, चेनाब, जेलम, रावी, ब्यास, सतलुज, ठीक है। और ये कहाँ पर गिरती है? तो अरेबियन सी में गिरती है ये। कहाँ पर? अरेबियन, ठीक है, हो जाएगा, बिल्कुल ठीक। नेक्स्ट, सह्याद्री पर्वत भारत के दक्षिणी भाग डैश से कन्याकुमारी तक है। जो सह्याद्री पर्वत है भारत के दक्षिणी भाग, गुजरात से लेकर कन्याकुमारी तक, ठीक है, सह्याद्री पर्वत कहाँ तक है? भारत के दक्षिणी भाग गुजरात से लेकर कन्याकुमारी तक है, और इसमें कौन कौन से स्टेट आते हैं? गुजरात, ठीक है, फिर महाराष्ट्र, ठीक है, गोवा, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु, ये सारे सारे स्टेट सह्याद्री पर्वत के अंदर आते हैं। नेक्स्ट, पृथ्वी की प्रॉपर्टी में कौन सा तत्व सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? चार ऑप्शन आपके सामने। तो इसका आंसर क्या आएगा? सी ऑक्सीजन। यानी कि जो पृथ्वी की प्रॉपर्टी पर है, सबसे तत्व पूछा इसने, क्या पूछा? तत्व, ठीक है, तत्व, सबसे ज्यादा तत्व कौन सा पाया जाता है? तो ऑक्सीजन पाया जाता है, और वो कितना पाया जाता है? 46%। कितना? 46.6% क्या पाया जाता है? ऑक्सीजन पाया जाता है। फिर इसके बाद सेकेंड नंबर पर क्या पाया जाता है? सिलिका। क्या पाया जाता है? सिलिका। सिलिका कितना पाया जाता है? 27%। कितना पाया जाता है? 27%। फिर बाद में 8% एल्यूमिनियम, 5% आयरन, 3% कैल्शियम, सोडियम 2%, पोटेशियम 2% और मैग्नीशियम 2%, ठीक है। निम्न में से किसे भारत का ग्रैंड कैनियन कहा जाता है? बताइए, चार ऑप्शन आपके सामने। तो इसका आंसर क्या आएगा? ए गांडीकोटा का ग्रैंड कैनियन। क्या है? गांडीकोटा का ग्रैंड कैनियन को क्या बोला जाता है? भारत का सबसे बड़ा ग्रैंड कैनियन बोला जाता है, और ये कहां पर है? ये है पेन्नार नदी पर। कौन सी? पेन्नार नदी पर। कौन सी नदी? पेन्नार नदी। और पेन्नार नदी में वो भी कहां पर? आंध्र प्रदेश में। कहां पर? आंध्र प्रदेश में, ठीक है, हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। कन्नौज की लड़ाई कब लड़ी गई थी? बताइए, जल्दी बताइए। ऑप्शन बी 1540 को। कन्नौज की लड़ाई जो लड़ी गई थी, वो 1540 को लड़ी गई थी, किस किस के बीच? हुमायूं, ठीक है, मुगल शासन के एम्पायर हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में। और किसकी हार होती है? हुमायूं की हार होती है, और शेरशाह सूरी जीत जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है, भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है, जल्दी बताइए कौन सा है?
भारत का सबसे पूर्वी बिंदु? तो भारत का अगर सबसे पूर्वी बिंदु पूछूं तो क्या है, की बीथू, और ये कहां पर है? अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, कहां पर है ये? अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी धातु पृथ्वी की भूपट्टी में सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाती है? अब देखो, तत्व पूछे तो ऑक्सीजन आएगा, ठीक है। अब पूछा धातु, तो धातु बताइए क्या आएगी। चार ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका आंसर क्या आएगा? एल्यूमिनियम। ठीक है, ऑप्शन डी। देखिए, अगर आपसे तत्व पूछे तो आप सबसे ज्यादा ऑक्सीजन बताओगे, और दूसरे नंबर पर सिलिका 27%। ठीक है, अगर धातु पूछे, मेटल पूछे, तो क्या बताओगी? एल्यूमिनियम। ठीक है, क्या बताओगे? एल्यूमिनियम बताओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेड डाटा बुक में निम्नलिखित में से कौन सा डाटा पाया जाता है? चार ऑप्शन आपके सामने, चार ऑप्शन आपके सामने हैं। देखिए, जो रेड डाटा बुक में है वो पाया जाता है ऑप्शन सी, यानी कि सभी विलुप्त प्राय प्रजातियां। क्या रेड डाटा बुक में क्या पाया जाता है? सभी विलुप्त प्राय प्रजातियां, ऐसी प्रजातियां जो धीरे धीरे लुप्त हो रही हैं, उन प्रजातियों को कहाँ डाल दिया जाता है? रेड डाटा बुक में डाल दिया जाता है। और इस रेड डाटा बुक डालने वाली कंपनी, यानी कि उसकी स्थापना कब हुई थी? तो उसकी स्थापना हुई थी 1964 में। कब हुई थी? 1964 में। और उसका कौन करती है रेड डाटा बुक का काम, उसका क्या नाम है? IUCN। ठीक है, IUCN की स्थापना कब हुई थी? 1964 में। और ये क्या करती है कि रेड डाटा बुक बनाती है, या उन प्रजातियों को, IUCN कंपनी उन प्रजातियों को, उन विलुप्त प्रजातियों को इस बुक में डाल देती है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, मलक्का जल डमरू मध्य किन दो भूभागों को अलग करता है? मलक्का जल डमरू मध्य किन दो भूभागों को अलग करता है? तो इसका आंसर क्या आएगा? आंसर ए, यानी कि मल्य प्रायद्वीप तथा तो इंडोनेशिया का द्वीप सुमात्रा। ठीक है, मलक्का जो जल डमरू वो क्या है कि मल्य प्रायद्वीप और सुमात्रा के इंडोनेशिया द्वीप को अलग कर दक्षिणी चीन सागर, दक्षिणी चीन सागर ध्यान से सुना, और प्रशांत महासागर को जोड़ता है। यह सबसे व्यस्त शिपिंग मार्ग है, या शिपिंग मार्ग है, और प्रमुख व्यापार इस मार्ग से किए जाते हैं। ठीक है, जो मलक्का जल डमरू किसको अलग करता है? मल्य प्रायद्वीप को, और तथा इंडोनेशिया का एक द्वीप है सुमात्रा, उसको अलग करता है। ठीक है, और ये किसको मतलब जोड़ता है? दक्षिणी चीन सागर को और प्रशांत महासागर को। दक्षिणी चीन सागर प्लस प्रशांत महासागर को क्या करता है? जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश डैश से भी गुजरता है, बताइए। इसका आंसर क्या आएगा? बी, राजस्थान। यानी कि सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश वो क्या करेगा? राजस्थान से भी जरूर गुजरेगा। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन से ढका हुआ है? चार ऑप्शन आपके सामने, इसका आंसर क्या आएगा? कौन सा क्षेत्र उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन से ढका हुआ? तो इसका आंसर क्या आएगा? डी, पश्चिमी घाट। यानी कि पश्चिमी घाट का पश्चिमी भाग उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वनों से आच्छादित है, क्योंकि इसमें 20 डिग्री का वार्षिक औसत तापमान है, जो 200 से अधिक सेंटीमीटर की वार्षिक वर्षा के साथ विभिन्न मतलब जैसे स्थानिक जो प्रजातियां और वनस्पतियों और जीवों की विस्तृत विविधता का समर्थन करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी तथा बाह्य अंतरिक्ष के बीच अंतिम रेखा डैश कहलाती है। तो इसका आंसर क्या आएगा? ए, क्या बोलेंगे इसको? मैग्नेटोस्फेयर। ठीक है, मैग्नेटोस्फेयर, यानी कि पृथ्वी तथा
बाह्य अंतरिक्ष के बीच अंतिम रेखा क्या कहलाती है? मैग्नेटोस्फियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस पड़ोसी देश को डक युल से भी संबंधित किया जाता है? डक युल बताइए। तो इसका ऑप्शन क्या आएगा? सी भूटान। यानी कि भूटान को डक युल भी कहा जाता है, क्योंकि डक युल का अर्थ है तूफानी ड्रैगन। क्या मतलब होता है डक युल का? तूफानी ड्रैगन। और भूटानी ध्वज में देश की संपत्ति का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक डक आभूषण पहने हुए है, इसलिए इसे डक युल कहा जाता है। ठीक है। 49वीं समांतर रेखा किन दो देशों के बीच सीमा रेखा है बताइए। तो इसका आंसर क्या आएगा? ए संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा। संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के बीच कौन सी है? 49वीं। और एक पूछा जाता है 38वीं, तो 38वीं किसके बीच है? साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के बीच है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ला नीना प्रशांत महासागर पर किस प्रकार से प्रभाव डालती है बताओ। चार ऑप्शन आपके सामने हैं, जल्दी बताइए। इसका क्या आएगा? आंसर बी, यानी कि जल का तापमान कम कर देता है। यानी जो लाल लाल नीना है वो क्या कर सकता है कि जो जल का तापमान है वो कम कर देता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉर्वेस्टर्स या काल बैसाखी तूफान है जो डैश में प्रधान है। चार ऑप्शन आपके सामने हैं, तो इसका आंसर क्या आएगा? भारत तथा बांग्लादेश। ठीक है। नेक्स्ट, आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और जरूर हम इतनी मेहनत से ये वीडियो बनाते हैं, प्लीज शेयर जरूर करना, कोई कमी है तो कमेंट जरूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि आने वाले नए नए वीडियो से पहले आपके पास नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ओके बाय, थैंक यू सो मच।